नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं काल की 2898 एडी फिल्म की लेटेस्ट जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी फिल्म कल्कि 2898 एडी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। 27 जून को रिलीज हुई कल्कि में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पाटनी लीड और अहम रोल में हैं। कल्कि 2898 एडी ने 4 दिन में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। रविवार को हुई कमाई से कल्कि 2898 एडी ने माहौल धुआं धुआं कर दिया। सैक नील की रिपोर्ट के मुताबिक कल्कि 2898 एडी ने रविवार को भारत में लगभग 85 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म ने भारत में अपने पहले वीकेंड पर 302 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। कल्कि 2898 एडी ने सबसे ज्यादा कमाई तेलुगु वर्जन में की है। फिल्म ने तेलुगु वर्जन से 162.1 करोड़ रुपए, तमिल वर्जन से 18.3 करोड़ रुपए, हिंदी वर्जन से 110.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके अलावा कल्कि 2898 एडी ने मलयालम वर्जन से 9.7 करोड़ रुपए और कन्नड़ वर्जन से 1.8 करोड़ रुपए कमाए हैं। कर्नाटक और केरल में फिल्म 10 करोड़ रुपए का भी कलेक्शन नहीं कर पाई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि फिल्म ने दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। हालांकि यह अनुमानित कलेक्शन है। कल्कि 2898 एडी ने भारतीय सिनेमा में तीसरी सबसे बड़ी ओपनर बनकर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। इसने अपने पहले दिन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 191 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। पहले दिन के कलेक्शन से इसने KGF 2, सालार, लियो और साहो जैसी ब्लॉकबस्टर के ग्लोबल ओपनिंग रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि ये RRR और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।